स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। हमने इरादा कर लिया है कि शहर की महंगी कोचिंग हम गांव के बच्चों के घर तक पहुंचाएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। आपकी ही डिमांड पर आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एवरेज चैप्टर की सीरीज। अगर आपको एवरेज का ए भी नहीं आता ना, तो यकीन मानो वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन के आंसर बताओगे सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। डंके की चोट पर ट्रिक दूंगा आपको और आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगले 3 मिनट आप मुझे दे दीजिए और आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। उसके साथ ही आपको मिलेंगी यहाँ पर 3 बेसिक ट्रिक्स एवरेज की ही। इस वीडियो में रहेगा इतना और आने वाली वीडियोस में हम आपको देंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, समझते हैं कि एवरेज एक्चुअली है क्या। दोस्तों सपोज कीजिए आपका घर बन रहा है और मजदूर वहां पर काम पर लगे हैं। अब एक मजदूर है, वो पहले दिन खाता है 2 रोटी, अगले दिन उसको भूख ज्यादा लगी है तो वो 3 रोटी खा गया, अगले दिन 4 खा गया और एक दिन वो घर से नाश्ता करके आया था तो 1.5 रोटी खा पाया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका मजदूर जो काम कर रहा है ये कितनी रोटी रोज खाता है, तो क्या आप मुझे इस तरह से बताएंगे कि इसने एक दिन 1 खाई थी, एक दिन 1.5 खाई थी, एक दिन 3 और एक दिन तो 4 खा गया था? ऐसे तो नहीं बताएंगे आप। आप क्या करेंगे, एक नंबर लेकर बीच का कि सर इसने 3 रोटी खाई थी या ये रोज की 2.5 रोटी खा लेता है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। आपने ये कहते हुए लोगों को सुना होगा कि मेरी गाड़ी 35 का एवरेज देती है या मेरी गाड़ी का एवरेज 40 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 40 किलोमीटर चलती है या 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर चलती है। अब जरूरी नहीं कि गाड़ी तो फिक्स हो कि हर बार 1 लीटर पेट्रोल डलवाने पर वो 35 किलोमीटर ही चलेगी, कभी गाड़ी 30 किलोमीटर भी चलती है। अगर गाड़ी का इंजन अच्छा है, सर्विस हो रखी है, तो वो 40 किलोमीटर भी चल जाती है, कभी 32 कभी 35। तो अगर इंसान क्या कहता है, लेकिन वो कहता है कि मेरी गाड़ी का एवरेज 35 है, 40 है या एक नंबर वो बताता है। तो मेरे दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हों, मेरी बात ध्यान से सुनिए क्या, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हों, बहुत सारा डेटा हो और आपको उसको सिर्फ एक नंबर में बताना हो, इसी को एवरेज कहते हैं। बस समझ गए क्या, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हों और आपको उसको एक नंबर में बताना हो, तो वो जो एक नंबर आप बता रहे हैं वही उन सबका एवरेज होगा और ये नंबर कहीं ना कहीं उसका बीच का नंबर होता है। आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल आपको मैं और समझाता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। मान लेते हैं कोई बस्ती है और उसमें 3 गलियां हैं, तो ये हम गलियां बना लेते हैं 1, 2, 3, ये बन गई गलियां। पहली गली में 2 घर हैं, दूसरी गली में 3 घर हैं और चौथी गली में 4 घर हैं। ये बस्ती में गलियां और गलियों में घर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि एक गली में एवरेज घर कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग बताएंगे कि एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है। एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी एक नंबर में बताना, एक नंबर में घर बताना कि एक गली में कितने घर आएंगे। अब इसके लिए हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालते कैसे हैं, इससे सीखिए, बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे करते हैं एवरेज, जो भी आपके पास नंबर्स हो उन सबको आप कीजिए प्लस। तो 2 + 3 + 4 ये हो गए प्लस। अब जितने भी नंबर हैं उतने से इनकी कीजिए आप डिवाइड। जैसे कि नंबर यहाँ पर है 1, 2, 3, 3 नंबर हैं तो 3 से इसको आप कर दो डिवाइड। अब 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9/3, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 + 3, 3 × 3 = 9, तो आपका एवरेज निकल के आ गया 3। तो हम कह सकते हैं कि एक गली में एवरेज घरों का कितना है, 3 है, एक गली में 3 घर आते हैं। अब आ गया है इस वीडियो का वो पार्ट जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार, क्या, शॉर्ट ट्रिक। जी हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एवरेज की बेसिक शॉर्ट ट्रिक नंबर 1। 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी मेरी है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताओगे आप। जी हाँ, क्या है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, आपको क्या दे दी, कुछ विषम संख्याएं, ओड नंबर्स दे दिए कि पहले, जैसे कि आपसे कह दिया कि पहले 50 ओड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का आपको औसत बताना है, या पहले 100 विषम संख्याएं ओड नंबर्स इनका आपको औसत बताना है, या कितनी भी वो दे सकता है, 50, 75, 100, 200, उसकी मर्जी है, कुछ भी दे दे। तो ऐसे सवाल का क्या करेंगे आप। अब विषम संख्या कौन सी होती है, 1
3, 5, 7, 9 मान लीजिए आपने उसे उसने आपको 50 ओड नंबर्स का औसत निकालने के लिए दे दिया, तो अब आप क्या 50 विषम संख्याएं लिखेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे, फिर उनको 50 से डिवाइड करेंगे और आंसर लेके आएंगे? क्या ऐसा करेंगे एग्जाम में? बिल्कुल नहीं करना ऐसा। तो अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। अगर आपसे वो क्वेश्चन में कहे कि 50 ओड नंबर्स का औसत बताइए, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताया क्या है? जितना वो पूछे वही आंसर है। जी हाँ, जितना वो पूछे वही आंसर है। अगर उसने आपसे कहा कि पहले 50 ओड नंबर्स का एवरेज आपको बताना है, तो इसका आंसर 50 ही होगा। अगर वो आपसे कहे कि एवरेज बताइए पहले फर्स्ट 100 ओड नंबर्स, तो इसका आंसर 100 ही होगा। अगर वो आपसे कहे कि पहली 75 विषम संख्याओं का ओड नंबर्स का औसत बताइए, तो उसका आंसर 75 ही होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सेकंड में जितना वो पूछे एन नंबर्स, जितने नंबर्स वो पूछे वही उसका आंसर होगा। तो इसको हम याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि क्या, कि अगर वो आपसे पूछे फर्स्ट एन नंबर्स, एन नंबर्स, और कौन से नंबर्स हैं ये? ओड नंबर्स, ये ध्यान रखना। आप ओड नंबर्स की ट्रिक बता रहा हूं अभी मैं आपको, कंफ्यूज मत होना जरा सा भी। फर्स्ट एन ओड नंबर्स, जितने वो ओड नंबर्स कहे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसकी ट्रिक है, उसका आंसर एन ही है। अगर वो 50 ओड नंबर का पूछे तो 50, 100 का पूछे 100, 75 का पूछे 75। तो यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके भी बता दो कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। आइए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। ये भी पहले की ही तरह खतरनाक है, देखते ही बिल्कुल एक सेकंड के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं कैसे। इसमें आपसे पूछता है कि फर्स्ट एन इवन नंबर्स, पहले सम संख्याओं का आपको एवरेज पूछ लेता है, कितनी भी दे सकता है। तो क्या है वो? फर्स्ट, पहली, एन, एन मीन्स कितनी भी, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का आपसे पूछता है वो कि भाई इसका एवरेज बता दो क्या निकलेगा, और जल्दी से बता दो, ऑप्शन आपको दे रखे होते ही है। अब इसकी ट्रिक सुन लो ध्यान से। अगर सपोज उसने पूछ लिया कि आपसे पहली 50 सम संख्याओं इवन नंबर का एवरेज बताना है, तो आपको क्या करना है, जितने का पूछे उसमें 1 प्लस कर दो, 50 और कितना हो गया 51, और यही आपका आंसर है। जी हाँ जी, यही आपका आंसर है। अगर वो पूछे इवन नंबर में कितने का एवरेज, उसमें सिर्फ 1 प्लस कर दो और आपका आंसर तैयार है। बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना, 1 प्लस करो और आंसर लगाकर आ जाओ। अगर वो आपसे पूछ ले कि फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का सम संख्याओं का आपको एवरेज बताना है, तो क्या करना है, 100 जमा 1, 101 उसका आंसर होगा, ऑप्शन में 100% होगा। ये देख लेना आप, यकीन ना हो तो। ट्रिक आपने सीख ली है, आइए अब इन दोनों ट्रिक का एक एक क्वेश्चन भी हम कर ही लेते हैं, ताकि ये बिल्कुल हमारे माइंड के अंदर घुस जाए, बिल्कुल बैठ जाए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि फाइंड द फर्स्ट 50 ओड नंबर्स, कि ओड नंबर्स का, पहले 50 ओड नंबर्स का आपको फाइंड द एवरेज, एवरेज फाइंड करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं, आपको आंसर पता चल चुका होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 50। तो दोस्तों आइए अब जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं इवन नंबर वाले शॉर्ट ट्रिक का भी एक क्वेश्चन। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स, पहले 99 इवन नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। तो आपने ट्रिक सीख ली है, क्या ट्रिक है, कि जितना नंबर पूछे इवन नंबर उतने में 1 प्लस कर दो और आंसर लेकर आ जाओ। आपका आंसर है 100, आपको कुछ भी नहीं करना, मात्र 1 सेकंड लगेगा आपको आंसर फाइंड करने में। तो ऑप्शन बी, 100 इस सवाल का सही आंसर है। दोस्तों अब क्या होगा अगर आपसे वो नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछ ले, क्या होगा? नेचुरल नंबर्स दे दिया आपको कि आपको पहले 25 नेचुरल नंबर्स या आपको पहले 50 नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताना है, औसत बताना है, तो आप क्या करेंगे? इसकी भी ट्रिक है, सब्र कीजिए, बताते हैं आपको। इसकी ट्रिक क्या है, जब भी आपसे फर्स्ट नेचुरल नंबर्स पूछ ले, कितने भी, 50 पूछ सकता है, 100 पूछ सकता है, तो अगर आपसे वो जितने भी पूछे, मतलब n, उसको मैं n से दिखा रहा हूं कि आपसे जितने भी पूछे आपको क्या करना है, उसमें 1 प्लस करना है
और उसको दो से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, अगर उसने हमसे पूछ लिया कि पहले चार प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताओ, तो पहली चार, चार पूछे ना हमसे, तो चार जमा एक बटा दो, चार और एक पांच, पांच बटा दो ढाई, इसका आंसर आ जाएगा 2.5 एवरेज इसका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपसे फर्स्ट एन कितने भी नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उसमें वन प्लस करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे, आप आंसर ले आएंगे। आइए आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारी ये ट्रिक बिल्कुल यूनिवर्सल है, हर जगह काम करेगी इस केस में। तो आपके पास मान लीजिए पांच नेचुरल नंबर्स हैं, उसका आपको कहा गया कि आप एवरेज निकालो पहले फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स का एवरेज। तो पहले पांच प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, एक दो तीन चार और पांच। अब अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे अपने ट्रेडिशनल मेथड से, तो हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर लेते हैं और जितने वो हैं उतने से डिवाइड, तो एक दो तीन चार पांच है ये, पांच से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब प्लस करेंगे एक और दो तीन, तीन और तीन छह, छह चार दस, दस और पांच पंद्रह, तो इसकी प्लस आएगी पंद्रह और बटे में है पांच, पांच से पंद्रह काटेंगे तो तीन आएगा इसका एवरेज निकल के। तो ये थी इसकी लॉन्ग ट्रिक। अब आइए शॉर्ट ट्रिक पर बढ़ते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालने की, कि जितने पूछे हों उतने में आप एक प्लस कीजिए पांच और एक छह और उसको दो से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप पांच और एक छह को दो से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर तीन ही आएगा। देखा आपने कितना ज्यादा टाइम आपका बच गया, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है ये। तो मैं अब आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ वो सवाल जो कई एग्जाम्स में बार बार आया है, आप भी सीख लीजिए, क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए। स्लाइड आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का पहली 100 एवरेज निकालना है। तो ट्रिक हमने सीख ली है, क्या करना है हमें, लॉन्ग मेथड तो यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, एक से सौ तक गिनती लिखो फिर उसको सौ से डिवाइड करो, भैया कुछ मत करो। क्या करना है, जब भी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना हो, जितनी का निकालना हो, उसमें एक जोड़ो और दो से उसको डिवाइड कर दो। तो हमें यहाँ पर सौ का निकालना है, तो सौ में आप एक जोड़िए 101 और 101 को दो से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 50.5। तो 50.5, 50.50 इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आपको ये तीन ट्रिक याद रखनी है बस, और अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आप चंद सेकंड्स के अंदर ही आंसर लगा के आएंगे इसका, बिल्कुल करेक्ट लगाकर आएंगे, बिल्कुल श्योर होंगे आप अपने आंसर को लेकर। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है हमें आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। हां कमेंट्स करके बताइए मुझे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए और क्या क्या चाहिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें आइडियाज मिलते हैं आपको वीडियोस देने के लिए, तो कमेंटिंग बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको कौन कौन से टॉपिक्स में वीडियोस चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करवा सकें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, गांव के दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए, उनके लिए ही स्पेशल बनाई गई हैं। शहर वाले तो कोचिंग जाते ही हैं, वो नहीं जा पाते, घर में ही रहते हैं, क्या करें, मोबाइल है, नेट है फ्री का, तो वो भी उसका फायदा ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़े से बटन ही तो दबाने हैं, तो बटन दबाइए और उन तक वीडियोस पहुंचाइए, अपने ग्रुप में, स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे नए साथी हैं, नए मेहमान हैं, तो मेरे दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसे ऐसे चैनल है, यहां पर ये काम हो रहा है, आप भी हमारा एक हिस्सा